बच्चों अगर आपको जीतना है स्मार्ट वॉच तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक ज़रूर देखिएगा ये जो है रीडिंग कैंपिंग की एक्टिविटी सीट है जो क्लास सेवन की और आज की जो संख्या है इस सीट की वो इकतालीस है यहाँ पर आपको अपना नेम लिख लेना अपनी टीचर का नेम लिख लेना है यहाँ अपना लिख लेना आज की डेट आठ तीन दो हजार बाईस से स्टार्ट करने से पहले कुछ होता कि आप सभी डेली वीकली मंथली बहुत सारे प्राइस दि सकते हो बस उसके लिए वीडियो को लाइक कर लिया करो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो फुल वीडियो को वॉच करके कमेंट कर दिया करो और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दिया करो अगर आप ऐसा करते हो और उनसे कोई तीन लखी विनर होंगे जो वीकली तीन होंगे जो मंथली प्राइज दे सकते हैं और मंथली प्राइज में क्या है बेटा स्मार्ट वॉच कहा गया इसमें कहा गया डाटा हैंडलिंग रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड काउंट द नंबर ऑफ लेटर्स इन ईच वर्ल्ड देयर आर स्काई क्लाउड इन the वन काइट इज ऑल्सो फ्लाइंग इन द the द कलर ऑफ द काइट इज ग्रीन दे आर are फाइव स्टार ऑन द काइट कलर ऑफ स्टार्स इज येल्लो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया गया आगे दिया गया Now, फिलिंग द टेबल अकॉर्डिंग दिस अब आपको नीचे दिख रहा होगा एक टेबल जिसको फिल करना है आपको फर्स्ट वर्ल्ड पैसेज का जो है इसमें रहा है जिसमें कितने लेटर्स हैं पाँच हैं सेकेंड वर्ड क्या है आर है जिसमें कितने लेटर हैं तीन तो इसी तरीके से आपको क्या करना है एक लेटर ऐसा कोई आपको यहाँ पर दिख रहा है ध्यान से देखो यहाँ पर एक लेटर वाला कोई वर्ड दिख रहा है जैसे ऑन ए हो गया ठीक है ए दिख रहा है नहीं दिख रहा इसका मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं तो वहाँ पर टेली मार्क में कुछ नहीं होगा और यहाँ लिख देंगे ज़ीरो अच्छा इसके बाद आप देखो यहाँ पर दो लेटर वाले कोई वर्ड दिख रहे हैं ऐसा वर्ड जो दो लेटर हो तो यहाँ पर आप देखोगे दो लेटर का वर्ड दिख रहा है वो कौन सा है इन है इज़ है ठीक है तो बच्चों आप देखोगे इन है इज़ है फिर यहाँ पर इन हो जाएगा ठीक है फिर यहाँ ऑफ हो जाएगा फिर इज़ हो जाएगा फिर ऑन हो जाएगा ठीक है फिर इज़ और ऑफ़ तो टोटल यहाँ पर कितने एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ कितने हैं आठ तो एक दो तीन चार ठीक पांचवा बंद कर देते हैं फिर एक दो तीन कितने हो गए यहाँ पर आठ तो ये आठ आपके हो गए इसके बाद आप देखोगे बेटा कि तीन लेटर वाले वर्ड कौन से हैं तो आर हो जाएगा आपके लिए टू हो जाएगा द हो जाएगा स्काई हो जाएगा वन हो जाएगा ठीक है और क्या हो जाएगा दा हो जाएगा स्काई हो जाएगा दा हो जाएगा दा ठीक है और आर हो जाएगा और कोई है दा हो जाएगा और यहाँ पर कोई नहीं है तो काउंट करो कितने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो यहाँ पर ग्यारह बना दो एक दो तीन चार पाँचवा ऐसा कट जाएगा ठीक है फिर एक दो तीन चार पाँच ऐसे और एक ये ग्यारह हो गया इसके बाद बेटा आप देखोगे ठीक है कौन सा चार लेटर के लिए यहाँ पर देयर देखो चार का नहीं है क्लाउड भी हमारा चार का नहीं है काइट हमारी चार की है ठीक है ऑल्सो भी हम क्या है चार लेटर का होता है और क्या है काइट चार लेटर का होता है ठीक है इसके बाद फाइव क्या होता है चार लेटर का होता है जो आपका फाइव है ये भी क्या है चार लेटर का है ठीक है बेटा तो ये भी क्या है फाइव लेटर का है का और यहाँ पर ये काइड फाइव लेटर की है ठीक है सॉरी फोर लेटर की है और कोई नहीं तो एक दो तीन चार पाँच तो कितने हो गए पाँच एक दो तीन चार पाँच हुआ ऐसा काटो तो यहाँ लिख दिया पाँच ठीक है इसके बाद अब देखो पांच लेटर के लिए तो देयर हो गया देयर के बाद कलर है वो तो पांच का है नहीं ये भी देयर हो गया ये ग्रीन हो गया और कोई स्टार हो गया ठीक है स्टार हो गया ये देखो एक स्टार है तो यहाँ पर कितना हो गया एक दो तीन चार पाँच तो हमने क्या करा एक दो तीन चार पाँच तो हमने यहाँ लिख दिया पाँच आगे देखोगे सिक्स लेटर्स के लिए तो बेटा आपको दिखेगा यहाँ पर एक ही ये सिक्स लेटर का है ठीक है एक यहाँ पे ये फ्लाइंग सिक्स लेटर की है दो हो गए कलर आपका सिक्स लेटर का है तीन हो गया कलर आपका सिक्स लेटर का है चार हो गया और येल्लो भी आपका क्या है बेटा सिक्स लेटर की है जो कि हो गया पाँच ठीक है तो आपके टोटल कितने हैं पाँच एक दो तीन चार ठीक है और ये पाँच एक छः ठीक है टोटल छः हैं बेटा एक दो तीन चार नहीं सॉरी बेटा पाँच ही हैं तो यहाँ पर क्या लिख दोगे पाँच तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे आगे चलिए देखते हैं क्या दिया गया है आगे देखो एक पोएम दी गई है वन फोर थ्री वन टू थ्री फोर नंबर फाइव साउट द डोर ठीक है कहने का क्या मतलब है यहाँ पर देखो जब एक होता है तो हम ऐसे लिखते हैं दो होता है टेली मार्क में ऐसे तीन ऐसे चार ऐसे पर पांचवी डंडी जो होती है वो ऐसी होती है इसी तरीके से छः को ऐसे लिख देते हैं ऐड ऑन करके इसके साथ और जब दस होता है तो ऐसे बंद कर देते हैं ठीक है तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया देखो आगे दिया गया अकॉर्डिंग टू द पोयम क्लोज द इंडेक्स फिंगर ऑफ वन जो इंडेक्स फिंगर होगी इसे वन लेंगे मिडिल फिंगर को टू लेंगे फिर क्या है आपकी रिंग फिंगर को थ्री लेंगे लिटिल फिंगर को फोर और थंब को फाइव से क्या कर देंगे पूरे मुट्ठी को बंद कर देंगे इन दिस वे ठीक है वी हैव फाउंड मार्क और इस तरीके से हम टेली मार्क में भी करते हैं ठीक है ये एप्पल है ये ऑरेंज आपको दिखेगा यहाँ पर फ्रूट्स दिए गए हैं और नीचे एक क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन क्या दिया गया पहले तो आपको ऊपर दिए गए जो फ्रूट्स होंगे इनको कलर करना है इसके बाद आपके दो दोस्त हैं उनसे डाटा कलेक्ट करना है ठीक है और इसे उसे मार्क में लिखना है कि उन्हें कौन कौन से फ्रूट पसंद हैं ठीक है तो चलिए इसको जो है मैं आपको करवा देता हूँ ठीक है तो प्यारे बच्चों आप ऐसे टेली मार्क बना लेना ठीक है एक और टेली मार्क में क्या लिखोगे आप देखो यहाँ फ्रूट्स हो जाएंगे यहाँ टेली मार्क यहाँ नंबर हो जाएगा एप्पल एप्पल चार लोगों को पसंद है मैंने चार ऐसे बना दिया है बनाने के लिए पाँच पाँच हो गया वाटर मेलन के लिए दो दो ऐसे लिख दिया ग्रेप्स के लिए तीन तीन डंडे खींच के यहाँ तीन गोवाबा के लिए छः हैं तो छः डंडे खींच के ऐसा कर दिया तो चलिए देखते हैं आगे क्या दिया अगले प्रश्न में ये क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूसन है तो बेटा अगला क्वेश्चन दिया गया था मैं एनालाइज़ करना है इस डाटा को ठीक है अपने पेरेंट्स और टीचर्स की हेल्प से और जो रिज़ल्ट आएगा उसे अपने क्लासमेट से साझा करना है तो चलो जो डाटा हमने कलेक्ट कराया है उसको एनालाइज़ करते हैं और मैं बताता हूँ उसमें क्या आप देखते हो और क्या एनालाइज करते हो तो आप देखोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला फल कौन सा है तो गुआबा है तो यहाँ लिखोगे द फ्रूट विच मोस्ट लाइक बाय एवरी वन इज गुआवा हूज नंबर इज सिक्स जिसका नंबर क्या है सिक्स है एंड लेस लाइक फ्रूट like तो सबसे कम लाइक किया जाने वाला फ्रूट कौन सा है तो आप देखोगे वाटर मेलन तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं यहां से एनालिसिस करते हैं से आप लिख लीजिएगा तो बेटा आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है यहीं समाप्त होती है आपको वीडियो ये वाली कैसे लगी कमेंट करके कर बताओ वीडियो लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो धन्यवाद बच्चों